Assalamu alaikum all of my valuable friends and mostly beloved viewers. Welcome back to my channel, The Purposeful Neela. And today I'm going to be sharing with you all the most important of upcoming three of my dancing shows from the biggest occasions of 14th April 2024 are Bengali New Year's The Pohla Boishakh. वो कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ आप दिल से और शिद्दत से चाहो और मेहनत करो लगन से, तो पूरे कायनात और ऊपर वाला आपको उस चीज़ से मिलाने की 100% कोशिश करते हैं। इनफैक्ट आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। और वो शायद हम इंसान कभी एनालिसिस नहीं कर पाते, लेकिन जब हमारे साथ बाद में वो चीज़ें होती है तो वो बहुत ही मिठास और बहुत ही अनोखा होती है। सच बात बोलूँ तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि 4 साल बाद आफ्टर 4 ईयर लेटर कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ फ्रॉम द ओकेजन ऑफ आर बंगाली न्यू ईयर पहला वैशाख। यू नो व्हाट, 4 साल पहले ऑन द 4th ईयर्स एगो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि मैं इस साल में बहुत अच्छे से सेलिब्रेशंस करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे 4 साल पहले बिफोर 4 ईयर्स एगो हमारी रोज़ा थी और इस्लाम के अकॉर्डिंग हम मुस्लिम्स वो सेलिब्रेशंस नहीं कर पाते। एंड मैं हमेशा अपने मॉम से बोलती हूँ कि मॉम, जब 4 साल बाद होगा ना तो मैं बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेशन करूँगी। तो मैंने कभी सोचा था कि मैं प्लेटफॉर्म्स में डांसिंग करने वाली हूँ, वो भी एक नहीं 3-3 प्लेटफॉर्म्स पे, वो भी एक ही दिन में। और आप लोगों को तो पता ही है ना, फ्रॉम एज एन आर्टिस्ट मैं इस इंडस्ट्री पे आने के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री पे एज एन आर्टिस्ट एंड एज एन डांस इंडस्ट्री, तो मैंने कितना ज़्यादा मेहनत किया। इन कितने सालों से मुझे बेसब्री से इंतज़ार थे एज एन आर्टिस्ट खुद को प्रोग्रेस करो, मेंटेन करो, कि खुद को पहचान बनाओ। हाँ, एज एन ह्यूमन बीइंग डाउन टू अर्थ हमेशा होना चाहिए। एंड यस, आई एम द स्टूडेंट्स ऑफ बीबी ऑनर्स 3rd ईयर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस के साथ साथ मुझे इंडस्ट्री पे एज एन आर्टिस्ट खुद को प्रोग्रेस करना और खुद को एक अच्छे तरीके से बेहतर इंसान के रूप में खुद की एक वैल्यू, एक मेंटेन, एक प्रोग्रेस को डेवलप करना मेरे बचपन से ड्रीम है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं अपने खुद के दम पे, खुद के बलबूते पे, खुद अकेले इतनी ज़्यादा फाइट करके यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और आगे तक भी जाऊँगी इंशाल्लाह। और आप सबकी दुआ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एक कहावत है ना, अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो तो हमें वो उस बुरे वक्त से या फिर बुरी सिचुएशन से, बुरे पीपल से हमें कभी नहीं होपलेस होना चाहिए। अगर कोई हमें डिमोटिवेट करे तो कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। ठीक, आप लोगों को तो पता ही होगा ना, मेरे पहले डांस प्लेटफॉर्म्स पे एज एन आर्टिस्ट जब मैं पहली बार स्टेज पे परफॉर्मेंस किया था, मेरे पहली डांस कैटेगरी पे, तो मेरे कितने ज़्यादा, मतलब किस तरीके से मेरे मोमेंट था। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा ही होगा, मैंने अपने फीलिंग्स को शेयर किया जहाँ पे मैंने, जिस इंडस्ट्री के बिलोंग्स मैंने वर्क किया एज एन डांस। एंड मेरे वो सिचुएशन को देखते हुए और आज के सिचुएशंस को देखते हुए तो मैं हमेशा खुदा से ये शुक्रिया अदा करती हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम तक मुझे पहुँचाया। और मैंने पहले सोचा था कि यार मेरे साथ इतना बुरा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया। तो मैं तब के बाद अभी बैठ के सोचती हूँ ना कि सच में जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। पहले मैं जहाँ पे, जिस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग डांस क्लासेस पे ज्वाइन किया था, तो वहाँ के जो ओनर था मेरे साथ बहुत ही मिसबिहेव किया, इनफैक्ट मेरे गार्डियंस के साथ भी। एंड मुझे बहुत बुरा इस वजह से फील हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि मैं क्यों इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, मैं घर पे क्यों नहीं रहती, मैं लायक नहीं हूँ, मुझ में कोई भी एबिलिटीज नहीं है, और बहुत सारे झूठे झूठे एलिगेशंस लगाई। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कि मुझे तब बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने तो उस तरीके से कुछ मींस भी नहीं किया, उल्टा मुझे पे झूठा झूठा एलिगेशंस लगाया गया था। और अभी जब मैं जहाँ पे वर्क करती हूँ, जहाँ पे मैं 4 साल के कोर्स पे ज्वाइन किया है, जिला शिल्पकला अकेडमी फ्रॉम चिटागोंग, वहाँ पे भी आके उस ओनर की फादर्स ने मुझे आके डराया, धमकाया और ये भी आरोप लगाए कि मुझे मेरी एकेडमी से रिस्ट्रिक्टेड करवा देंगे। लेकिन वो भी है ना कि खुदा जब
किसी के लिए अच्छा सोचता है तो बुराई का या फिर बुरे दौर का सामना तो करना ही पड़ता है। तो मैंने भी निडरता से हमेशा हर एक चीज़ों का सामना किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं न्यू इंस्टीट्यूट में हूँ, जनवरी से ज्वाइन किया है अपने न्यू एकेडमी के साथ साथ, ओडिसी डांस इंस्टीट्यूट फ्रॉम टेरेगो, एंड वहाँ के जो ओनर हैं, हमारे मैम हैं प्रोमा अवंती एंड ऑल्सो दियर असिस्टेंट्स मोयू कापू एंड उर्जिता आपो, दीबा आपो, दे आर ऑल्सो पोलाइट, ऑल्सो डाउन टू अर्थ, ऑल्सो हम्बल। जब मैं जाती हूँ हमेशा मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत हम मेरे केयर करते हैं, और मेरे साथ साथ जो भी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे भी सबके साथ केयरिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं। यू नो वर्ड, जब मैं पहले वाले इंस्टीट्यूट पे थी और वहाँ से चली आई थी, मुझे बोला गया कि मैं जिस लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया वो लोग बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं आगे चल के बहुत बड़ी मुसीबतों में पड़ सकती हूँ, वो लोग अच्छी नहीं है, वो लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं। लेकिन मेरे दिल में एक बात और भी था कि जो लोग मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा किया, जो जिनके वजह से मैं यहाँ तक इतना ज़्यादा प्रेशराइज में थी, मेरे साथ मतलब इतना कुछ हुआ, मतलब एंड मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी इस इंडस्ट्री पे नहीं आ पाऊँगी बिकॉज ऑफ मेरे फैमिली कंडीशंस एंड मेरे सब कुछ, ऑल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे सब कुछ डिसाइड करनी थी, और एंड मोमेंट पे अल्लाह ताला ने मुझे मेरे गुरुजी, मेरे प्यारी से टीचर्स प्रोमावंती मैम से मुझे रूबरू करवाया। इनफैक्ट मोयू सरकार आपू से मुझे रूबरू करवाया, उनके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिले, उनके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होने को मिला एंड बहुत कुछ अच्छा हुआ। लेकिन मैं सोचती थी जो इंसान इतना ज़्यादा हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंगली परफॉर्मिंग और इतना ज़्यादा इनकरेजमेंट होने के बाद भी मेरे जैसे एक नॉर्मल सा मामूली सी एक इंसान, या फिर कहोगे ग्रो अप करने वाली, जो अभी मैं लर्निंग कर रही हूँ, जर्नी को स्टार्ट कर रही हूँ, वैसे स्टूडेंट को अगर कोई भी रिस्पॉन्स ना करे तो क्या। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, बहुत हेल्प किया इस मुकाम तक आने के लिए। आज मैं जहाँ पर भी हूँ, जिस भी पोजिशंस पर हूँ, प्रोमावंती मैम, मोयूक सरकार आपो, उर्जिता सेन आपो, उर्जिता सेन गुप्ता आपो, दीवा आपो, इन सब के वजह से हूँ। और स्पेशली वहाँ के जो सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, मैं जिन सबके साथ काम करती हूँ, वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल है, बहुत कोऑपरेटिव है, कोई भी ईर्ष्या नहीं है, कोई भी अहंकार नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट डाउन टू अर्थ। तो तब की जर्नी देखो और आज की जर्नी देखो तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी 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 बेस्ट। और यही बात आप लोगों की बोलूँगी कि अगर आप लोगों के साथ भी कुछ बुरा हो, अगर आप लोगों से बहुत ही कीमती चीज़ या फिर बहुत ही मेहनत की चीज़ अगर कुछ भी प्रॉब्लम ज़रा हो, तो आप लोग घबराइए मत, इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा बेटर, इससे ज़्यादा बेस्ट अल्लाह ताला आपको देने वाली है। इसीलिए आपको या फिर आपसे वो चीज़ को छीना या फिर आपको उस चीज़ों से दूर करा।